केंद्रीय बजट से जम्मू के व्यापारियों को बंधी बड़ी उम्मीद, बाजार को लेकर ये है मांगे। बुधवार से शुरू हुए बजट सत्र में केंद्र सरकार की ओर से अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है। ऐसे में जम्मू के व्यापारी भी इस उम्मीद में हैं कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर के लिए विशेष धनराशि आवंटित करेगी, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में जारी विकास कार्यों को गति मिल पाएगी। व्यापारियों की मांग है कि केंद्र सरकार देश में एक व्यापार नीति भी बनाए। जम्मू कश्मीर के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित होने की उम्मीद, छोटे व्यापारियों के हितों का रखा जाए पूरा ध्यान। जम्मू जैसे छोटे शहर में बड़े शॉपिंग मॉल न खुले। बुधवार से शुरू हुए बजट सत्र में केंद्र सरकार की ओर से बार वोट ऑन अकाउंट बजट पेश किया जा रहा है। ऐसे में जम्मू के व्यापारी भी इस उम्मीद में है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लिए विशेष धनराशि आवंटित करेगी, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में जारी विकास कार्यों को गति मिलेगी। लोगों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार अगले 3 माह के लिए जो भी बजट मंजूर करेगी, उसमें प्रदेश के लिए भी पर्याप्त धनराशि होगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य व कृषि केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इन क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित होगी, जिससे इन बुनियादी क्षेत्रों में ढांचा मजबूत करने में मदद मिलेगी। व्यापारियों की मांग है कि केंद्र सरकार देश में एक व्यापार नीति भी बनाए, जिसमें छोटे व्यापारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के खुदरा बाजार में आने से छोटे व्यापारियों का भविष्य संकट में आ गया है। व्यापारियों की मांग है कि जम्मू जैसे छोटे शहर में बड़े शॉपिंग मॉल नहीं खुलने चाहिए और न ही बड़ी बड़ी कंपनियों को खुदरा बाजार में आने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे गली बाजारों में काम करने वाले छोटे व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले समय में छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे।